बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम बिसमीम्स डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास फाइव एंड चैप्टर नंबर इज़ नाइन स्टूडेंट्स अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक ओपन करें बुक पेज नंबर सेवेंटी टू है एंड टॉपिक है हमारे पास अल्कोरिथम एंड फ्लो चार्ट है okay. तो इसमें टॉपिक गिवन है हमें एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं देर आर मैनी एडवाट ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब उसका एल्गोरिथम बना लेते हैं तो वो क्या है हमारे लिए राइट करने में हमारे पास हमें इस चीज़ से क्या होता है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सम ऑफ देम आर एज़ फॉलो तो उनमें से कुछ गिवन है नंबर वन है दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट तो फिर हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो वो उसके लिए हमें उसकी स्टेटमेंट को समझना आसान हो जाता है देन उसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है नंबर टू द डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वो हमें क्या डिस्क्राइब कर देता है स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू जिसको uh, वो स्टेप्स जिनको हम लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर थ्री दे हेल्प एलिमिनेट एनी एरर वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम लॉजिकली ठीक है वो हमारी हेल्प करता है एलिमिनेट करने में एरर को जब हम किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर रहे होते हैं वो उसको एररलेस बना देता है नंबर फोर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज तो वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट uh, होते हैं दे कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इन टू फ्लो चार्ट एंड देन इन टू कम्प्यूटर प्रोग्राम उसको हम ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर और फिर उसको हम uh, उसमें चेंज uh, uh, कर देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ठीक है नेक्स्ट uh, है एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर वन है एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स यहाँ पे हमने एल्गोरिथम राइट करना है जिसमें टू नंबर्स हमने ऐड करने हैं और उसका रिजल्ट चेक करना है स्टेप वन है स्टार्ट हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे स्टेप टू टेक टू नंबर्स हम दो नंबर्स एज एजा इनपुट लेंगे स्टेप थ्री ऐड द टू नंबर्स हमने जो दो नंबर्स एज ऐसा इनपुट लिए हैं हम उनको ऐड करवाएंगे स्टेप फोर प्रिंट द रिज़ल्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम ऐड करते हैं टू एंड टू को तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो फोर आएगा तो हम क्या करेंगे उस रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देंगे स्टेप फाइव क्या है स्टॉप एग्जाम्पल टू है फाइंडिंग द लार्जस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ नंबर्स अब हमारे पास प्रॉब्लम यह आया है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर है ठीक uh, है हमने उसमें से फॉर एग्जाम्पल टेन नंबर्स हैं जिनमें से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है स्टेप फर्स्ट है स्टार्ट स्टेप टू गेट द लिस्ट ऑफ नंबर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स को गेट करेंगे स्टेप थ्री मार्क द नंबर इन द लिस्ट एज द लार्जेस्ट हम उस नंबर को uh, मार्क करेंगे जो कि लिस्ट में लार्जेस्ट है स्टेप फोर लुक एट द नेक्स्ट नंबर इन द लिस्ट हम जो है नेक्स्ट नंबर में सर्च करेंगे कि आया वो नंबर लार्ज है या फिर नेक्स्ट इसी तरह स्टेप फाइव है इफ़ दिस नंबर इज़ लार्जर अगर ये नंबर लार्जर है देन द मार्क लार्जेस्ट नंबर वो नंबर जिसको हम मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं अगर नेक्स्ट वाला नंबर उससे भी लार्जेस्ट है तो हम क्या करेंगे मार्क दिस न्यू नंबर तो हम उसको छोड़ देंगे न्यू नंबर को मार्क करेंगे एज द लार्जेस्ट स्टेप सिक्स है रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर टिल द एंड ऑफ द लिस्ट इज रीच्ड ठीक है हम स्टेप थ्री और फोर को रिपीट करते जाएंगे जब तक हम लिस्ट के लास्ट नहीं पहुंच जाते स्टेप सेवन है आउटपुट द लास्ट नंबर मार्क लार्जेस्ट तो आउटपुट हमारे पास क्या है लास्ट नंबर जो है उसको हम एज अ लार्जेस्ट नंबर मार्क करेंगे स्टेप एट है स्टॉप ठीक है हमारा यहाँ पे एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा एंड एल्गोरिथम कैन बी रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज एल्गोरिथम को हम नेचुरल लैंग्वेज में राइट करते हैं नॉन कंप्यूटर नॉन कंप्यूटर मींस के कंप्यूटर की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस है जावा है या ओनली सी है तो ये हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है तो हम उसमें राइट नहीं करेंगे बल्कि नेचुरल लैंग्वेज में राइट करेंगे इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली यूजिंग फ्लोचार्ट हम इसको एक uh, पिक्टोरियल के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लॉचार्ट को यूज करते हुए इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड इज नॉट टाइड टू एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्राम को लेकिन हम उसको जो है वो किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ टाइट नहीं कर सकते हाउ एवर

ऐसा प्रोग्राम रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन हम उसको लास्ट स्टेप में जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करेंगे ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन uh, uh, तो डे है आज ट्यूजडे ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टॉपिक हमारे पास एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है पेज नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर टू है मेंशन मेंशन द द लिमिटेशंस फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट की लिमिटेशन आपने मेंशन करनी है Sometimes program logic is quite complicated in that case. कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है हमारा जो प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेज होती है वो टोटली totally कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इन दैट केस फ्लो चार्ट बिकम्स कम्प्लैक्स तो इस में ये होता है कि अगर हमारी लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें जो हम फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम्प्लेक्स हो जाएगा डायरी है आज की डू रीड बुक पेज नंबर सेवेंटी टू आपको जो मैंने आज रीडिंग करवाई है पेज नंबर सेवेंटी टू की उसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है प्लस लर्न क्वेश्चन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर नाइन आपने चैप्टर नंबर नाइन का क्वेश्चन नंबर टू जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है थैंक यू सो मच